क्लास 8 बिहार बोर्ड का ये हमारा इंग्लिश का तीसरा चैप्टर है और जिसका नाम है द राजाज ड्रीम, राजा का सपना। इसमें हम राजा के स्वप्न, राजा का सपना देखते हैं। बड़ा ही अच्छा मज़ेदार स्टोरी है, लाइन बाय लाइन आपको हिंदी अर्थ करके समझाएंगे, तो इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। पूरा अगर नहीं समझे तो आपका हम चैनल डिलीट कर देंगे, सोच लीजिए इतना आपको चैलेंज करते हैं। तो लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे और ऐसी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर पहले भी नहीं मिली है और अब भी नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा और स्टोरी को समझिएगा, पढ़ना भी सीखिएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है, राजा कृष्णचंद्र ऑफेन हियर्ड हिज कोर्टियर्स कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल। अब यहाँ पर समझिए कि कृष्णचंद्र नाम का कोई राजा है, ऑफेन मतलब होता है अक्सर, हियर्ड मतलब सुनना, कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी गण। आपको वर्ड मीनिंग लिखना है तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। कंप्लेनिंग मतलब शिकायत होता है, लव्ड मतलब प्यार करना होता है, एवरीवन मतलब सभी को, अपीयर लाइक ए फूल मूर्खों की तरह, मतलब राजा कृष्णचंद्र ने अक्सर अपने दरबारियों को शिकायत करते हुए सुना। अब दरबारीगण क्या शिकायत करते थे कि गोपाल हरेक को मूर्ख की तरह देखना पसंद करता है। गोपाल नाम का कोई व्यक्ति है जो इनके मंत्रियों को मूर्ख बना देते हैं। मूर्ख बनाने का मतलब इंसल्ट कर देना, ठीक है। कैसे, देखिए, देयर वॉज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम और एनदर ट्राई टू गेट दियर बैक्स, बैक्स मतलब बदला लेना, एट गोपाल बट ऑलवेज इंडट अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। अब यहाँ पर कहने का सेंस है कि मुश्किल से दरबार में कोई बचा, मुश्किल से ही उस दरबार में कोई बचा होगा जिसने कभी ना कभी गोपाल की चुटकी ना ली हो, किंतु हमेशा खुद मूर्ख की तरह दिखा। समझिएगा कि दरबार में मुश्किल से ही कोई बंदा ऐसा बचा होगा जो गोपाल से बदला लेना चाहे, क्योंकि आप किसी से बात करते हैं वो आपका इंसल्ट कर देता, तो आप भी सोचते हैं ना कि हम उसका इंसल्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, उसको मूर्ख बनाएंगे। तो दरबार के दरबारीगण कई बार कोशिश किए परंतु उल्टा होता था, जाता था गोपाल का बेइज्जती करने और खुद का बेइज्जती करवा के चला आता था। और इसमें जानते हैं कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात यह है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कॉम्प्लिकेटेड क्या है। द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू, राजा जानता था कि यह सही बात है, राजा को भी पता था कि यह सही बात है। इट ऑफेन रैंकल्ड हिम दैट विदाउट यूटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस। अब देखिए कि इसने उसे अक्सर खिजाया, किसे, राजा को, कि कोई भी आपत्तिजनक शब्द बोले बिना उस मस्खरे ने उसे अनेक बार बेवकूफ़ी महसूस करा दिया। अब मस्खरे वही गोपाल को कह रहा है, मजकिया व्यक्ति को, गोपाल मस्खरा मजकिया। राजा को क्या खिजता था, खिजाया कि वो जो गोपाल है बिना किसी ऑब्जेक्शन मतलब आपत्तिजनक शब्द, ये गाली गलौज नहीं करता था, एकदम माइंड से बुद्धिमत्ता से किसी को पराजित कर देता था। आपका कोई इंसल्ट करे वो भी कुछ खराब शब्द नहीं बोले, गाली का प्रयोग नहीं करे, तो सोचिए आप उससे कैसे जीतिएगा। ऐसी हालत था और राजा को ये बड़ा खिंचता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना ऑब्जेक्शन का कोई वर्ड बोले बिना कोई कैसे इंसल्ट कर सकता। अब देखिए, सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बैटिंग गोपाल। अब देखिए, इसलिए एक दिन कृष्णचंद्र ने गोपाल का मजाक उड़ाकर स्वयं मजा लेने का निश्चय किया। अब कृष्णचंद्र जो राजा थे वो क्या सोचे कि गोपाल को दरबार में बुलाया जाएगा और हम लोग मिलकर उसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, और हम लोग उसका मस्ती करेंगे, क्योंकि सब कोई बेइज्जती हो चुका था, सब एकदम हाँ भर देता है। आह गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, अजीब सा सपना, जो अजीब सा सपना समझते होंगे आप लोग, अनाउंस्ड द राजा द नेक्स्ट डे एज सून एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। अब देखिए, कोर्ट मतलब दरबार जहाँ पर राजा और मंत्रीगण बैठते हैं। आह गोपाल, मैंने एक सपना देखा, मैंने एक अजीब सपना देखा। कौन बोलता, राजा ने ज्यों ही अगले दिन गोपाल को दरबार में देखा, घोषणा की। अब राजा क्या होता है, गोपाल को दरबार में देखता है, गोपाल दरबार में आता है, तो गोपाल को दरबार में देखते ही राजा बोलता है कि आह गोपाल, मैंने एक स्ट्रेंज अजीब सपना देखा, ये घोषणा कर देता है। अब राजा क्या सपना देखता है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, आप हिंदी अर्थ करना सीख जाइएगा, ध्यान दीजिए। एंड एवरी वन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। अब देखिए, और हर कोई राजा का सपना सुनने के लिए चुप हो गया, जो भी वहाँ दरबार में मौजूद था सभी चुप हो जाता है राजा का सपना सुनने के लिए। आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वेयर गोइंग फॉर ए वॉक,
एंड वी रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वेयर टू पुल्स। अब राजा क्या बोलता है कि गोपाल मैं सपना या कि तुम और मैं टहल रहे थे, गोपाल मैं सपना देखा कि तुम और मैं टहल रहे थे और हम लोग ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो गड्ढे थे, ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर दो गड्ढे थे, दो पुल थे। पुल आप लोग पुलिया देखते होइएगा, नहर के टाइप से होता है, छोटा सा पुल रहता है, जहाँ पर दो पुल थे। अब क्या होता है, राजा कहते हैं कि वन ऑफ द पुल्स वाज फिल्ड विथ खीर। फिल्ड मतलब भरा, मतलब कि उन गड्ढों में से एक खूब गाढ़े दूध से बनी खीर से भरा था। उस पुल में से एक जो पुल था उसमें खीर भरी हुई थी, मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड द अदर फुल ऑफ हॉरेबल स्मेली डंग। डंग मतलब गंदगा, गोबर, दुर्गंध वाला। तो उन्होंने उनमें एक गड्ढे में खूब गाढ़े दूध से, गाढ़ा दूध, क्रीम वाला दूध, समझ गए, से खीर से भरा था और दूसरा तेज दुर्गंध वाले गोबर से। आप गाय का या भैंस का गोबर देखते होइएगा तो आपको पता होगा कि राजा क्या बोलता है कि दो पुल है, एक पुल खीर से भरा हुआ और दूसरे पुल गोबर से भरा हुआ, और वो भी गंध, दुर्गंध देने वाला गोबर, ठीक है। अब आगे देखिए, सडनली आई फेल इन टू द मिल्की पुल एंड यू इन टू रोटिंग मक। रोटिंग मक मतलब सरे हुए कीचड़। अब राजा बोलते हैं अचानक मैं उस दूधिये गड्ढे में गिर पड़ा जिसमें खीर था, उसमें राजा गिर जाता है और तुम उस सरे गले मलमूत्र में। और गोपाल को कहता है कि गोपाल मैं उस खीर वाले गड्ढे में गिरा लेकिन तुम उस सरे हुए गोबर में, कचरे में, कीचड़ में गिर गए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, गोपाल की इंसल्ट हो जाता। ऑन हियरिंग दिस द कोर्टियर्स बर्स्ट आउट लाफिंग। यह सुनकर दरबारी ठठाकर हंस पड़े, एकदम ठहाके मार कर, क्योंकि गोपाल का बेइज्जती हो गया। गोपाल उस कचरे वाले खीर पुल में गिरा लेकिन राजा खीर वाले में, तो अब हंसे। क्यों हंसे? दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टूई इन मक। अब देखिए, वे स्पष्ट रूप से सिर से पैर तक मलमूत्र में लिपटे उस मस्खरे पर आनंद ले रहे थे। अब जो भी व्यक्ति थे दरबार में उपस्थित, वो क्या सोचे कि गोपाल अगर सरे गले गोबर वाले पुल में गिरे तो उस गोबर का उसको मुंह से शरीर तक, पूरा पैर तक गोबर लग गया होगा, मुंह में भी चला गया होगा। ये सोचकर सब दरबारीगण खूब ठहाका मार कर हंसा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए, गोपाल स्टूड अनरफल्ड वेटिंग फॉर एवरी वन टू फिनिश लाफिंग। देखिए, गोपाल सबकी हंसी रुकने की प्रतीक्षा करते हुए शांत भाव से उठ खड़ा हुआ। अब गोपाल क्या हुआ कि सभी के लिए इंतजार कर रहा था कि सभी अपना हंसी खत्म करेगा, उसके बाद गोपाल खड़ा हुआ। एंड देन सरप्राइज्ड एवरी वन बाई टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। अब देखिए गोपाल क्या करता है, और तब खूब नम्रता के साथ राजा को यह कहकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया कि उसने भी बिल्कुल वही सपना देखा। अब गोपाल राजा को क्या, क्योंकि गोपाल देखिए बुद्धिमान था, अपना हार माने, बुद्धिमान लोग क्या होते, गुस्सा से नहीं बस बुद्धि से काम लेते। तो गोपाल चुपचाप खड़ा रहा, सब लोग अपना हंसी ख़त्म किए। तब गोपाल राजा से कहते हैं कि राजा साहब, हम भी जो है एक महाराज इसी प्रकार जो आप सपना देखे ना, सेम टू सेम वही सपना देखे। अब सब आश्चर्य में चला जाता है कि ये क्या हुआ है। अब गोपाल, क्योंकि सब आश्चर्य में इसलिए भी जाते हैं कि अब गोपाल कहने क्या वाला है, कहेगा क्या, इसमें राजा का क्या इंसल्ट होगा। देखिए, द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइन। परंतु राजा प्रश्न पूर्वक गोपाल की तरफ देखते रहे, एकदम ऐसे नहीं होता है कि जैसे कि मान लेते हैं आपसे कुछ पूछ रहा है तो प्रश्न पूर्वक देखते रहे और उनसे पूछा कि तुम्हारा मतलब जो कुछ भी मेरे सपने में हुआ वही तुम्हारे सपने में भी हुआ। अब राजा गोपाल से पूछता है कि गोपाल, तुम्हारा कहने का सेंस ये है कि जो कुछ भी मेरे सपने में हुआ वही तुम्हारे सपने में भी हुआ। कौन पूछता है? राजा पूछता है। अब देखिए गोपाल का क्या जवाब आता है। गोपाल बोलता है, यस महाराज, हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल, ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर। हाँ महाराज, गोपाल ने जवाब दिया, केवल आपका सपना पहले खत्म हो। गोपाल राजा से क्या कहता है, केवल आपका सपना पहले खत्म हुआ, माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटल लॉन्गर, मेरा सपना थोड़ा सा और आगे तक चला। मतलब आप देखे कि हम दोनों पुल में गिर गए लेकिन हम कुछ और आगे देखे हैं। आगे क्या हुआ? आई सो बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पुल, मैंने देखा कि हम दोनों पुल से बाहर आए। गोपाल कहता है कि आप देखे थे कि हम दोनों पुल में गिरे, उसके बाद आप नहीं देखे, तब मैं देखा कि हम दोनों पुल से बाहर आते, हम दोनों पुल से बाहर आए। अब पुल से बाहर आने के बाद क्या होता है, यू
गोपाल कहते हैं कि यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड इन मक एंड देन आई सो दैट यू वेयर लिकिंग मी एंड आई वॉज लिकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन इच अदर। अब देखिए गोपाल कहता है कि आप खीर से ढके हुए थे, राजा को कहता है क्योंकि राजा खीर वाले पुल में गिरे थे तो खीर से ढके हुए, और मैं सरे हुए गोबर से, और गोपाल कहता है कि मैं सरे हुए गोबर से, और तब मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे हैं और मैं आपको। आप गोपाल क्या बोला कि आप राजा को कहा आप खीर से ढके हुए और मैं गोबर से, तो आप मुझे चाट रहे मतलब राजा गोबर चाट रहा है और मैं आपको मतलब गोपाल खीर चाट रहा है, एक दूसरे को साफ करने के संदर्भ में, क्योंकि हम खुद को तो चाट कर साफ नहीं कर सकते इसलिए एक दूसरे को चाट रहे साफ करने के लिए। अब राजा की भी बेइज्जती हो गई, देख लीजिए। अब इस पर क्या हुआ, द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड व्हेन दे हियर्ड दिस। अब दरबारीगण अचंभित हो गए जब उन्होंने यह सुना, ये बात सुनने के बाद दरबारीगण को भी झटका लगा। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन द किंग वाज इन ए गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बिहाइंड पुल्ड ए लिटिल। परंतु सभी के लिए राजा अच्छे मूड में था और थोड़ी सी खिंचाई से उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब राजा तनिक खिंचाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इंसल्ट हो गया तो। इनफैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल्स विट। वास्तव में वे भी बहुत जोर से ठहाका मारकर गोपाल की चतुराई पर हंसे, क्योंकि गोपाल एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला, बस इंसल्ट राजा का भी क्या हो गया, इंसल्ट हो गया। तो यहाँ पर इसलिए राजा भी उसकी बुद्धिमानी पर एकदम तगड़ा से हंसे। तो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, चैप्टर इतना ही तक था। अब हम लोग प्रश्न उत्तर पर आते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे जरूर जुड़े तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सारा प्रश्न हम इसका करने वाले हैं। क्वेश्चन है व्हाट कंप्लेन डिड द कोर्टियर्स मेक टू राजा कृष्णचंद्र। अब बोल रहा है कि राजा कृष्णचंद्र दरबारीगण राजा कृष्णचंद्र से क्या शिकायत किया करता था, तो आंसर होगा गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन ए फूल वाज दियर कंप्लेन। उनका कंप्लेन यही था कि गोपाल किसी को भी मूर्ख बना देता है। हाउ डिड कृष्णचंद्र डिसाइड टू एम्यूज हिमसेल्फ, मतलब कि कृष्णचंद्र किस प्रकार से अपना मजा ले लूटने के लिए किस प्रकार से निर्णय लिया, तो बाय मेकिंग गोपाल ए फूल टू एम्यूज हिमसेल्फ, गोपाल को मूर्ख बनाकर मजा लेने का सोचा। व्हाट डिड राजा टेल गोपाल, राजा गोपाल से क्या कहता है, ए स्टोरी ऑफ हिज ड्रीम। राजा गोपाल से कहता है कि एक सपना हम देखे हैं, ठीक है, अपना एक सपना देखे और अपना सपना सुनाने लग जाते हैं। देखिए व्हाट वेयर द टू पुल्स फिल्ड विथ इन राजाज ड्रीम, राजा के सपना में दोनों पुल कुंची से भरा हुआ था, तो वन पुल वाज फिल्ड विथ खीर द अदर विथ मक, पहला पुल तो खीर से भरा हुआ था और दूसरा सरे हुए गोबर से, ठीक है। पांचवा प्रश्न है इन विच पुल डिड गोपाल फेल, तो बोला गोपाल किस पुल में गिरा, तो इन द पुल ऑफ रोटेन डंग, तो गोपाल सरे हुए गोबर वाले पुल में गिरा। हुज ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, किसका सपना पहले खत्म हुआ, तो राजाज ड्रीम, राजा का सपना पहले खत्म हुआ। तो यह आपका छः गो प्रश्न का उत्तर हम बताए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवा प्रश्न है हु वाज लुकिंग हुम इन गोपाल्स ड्रीम, गोपाल के सपने में कौन किसको चाट रहा था, तो राजा एंड गोपाल वेयर लुकिंग ईच अदर, राजा और गोपाल एक दूसरे को चाट रहे थे। अब बी पॉइंट टू में आता है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। बी पॉइंट टू पॉइंट वन में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अभी जो आप स्टेटमेंट्स पढ़े, जो गलत है उसमें फॉल्स एफ लगाइए, जो सही है उसमें टी ट्रू लगाइए। बोला गोपाल वाज ए ग्रेटफुल, गोपाल एक महामूर्ख था, तो ये बात फॉल्स है, गलत है, गोपाल मूर्ख नहीं था। राजा एक्चुअली हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, राजा सच में सपना देखा नहीं, वो तो सोच करके इंसल्ट करने के लिए बात बनाया। राजा फेल इन द पूल फिल्ड विथ मिल्क, दूध से भरी हुई पूल में राजा गिरा था, सही बात होगा ट्रू, दूध से मतलब वही दूध वाली पूल में राजा गिरा था। अब अगला क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स का, चार नंबर का। द कोर्टियर्स मॉक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम, राजा का सपना देखकर दरबारीगण गोपाल पर हंस पड़ते हैं, तो ट्रू होगा, सही होगा। पांचवा है राजा पनिश्ड द कोर्टियर्स फॉर लाफिंग एट हिम, राजा अपने दरबारीगण को पनिश्ड किए मतलब उन सबको दंडित किए उन पर हंसने के लिए, कोई गलत बात है, फॉल्स होगा, ऐसा कुछ राजा नहीं किया। बी पॉइंट टू में है, टू पॉइंट टू में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, संक्षिप्त में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग, प्यार से गोपाल क्या करता था, तो आंसर होगा मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता था, मूर्ख की तरह बना देता था, मूर्ख बना देता था, इंसल्ट कर देता था। दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड द किंग थिंक ऑन हियरिंग द कोर्टियर्स कंप्लेन, मतलब दरबारियों का शिकायत सुनकर राजा क्या करते थे, तो टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बैटिंग गोपाल, राजा सोचा कि हम लोग राजा गोपाल से बाजी लगा लेते हैं, उसके बाद
उस मानंद लेंगे। तीसरा है हाउ डिड द पुल लाइक इन विच द किंग फेल लुक लाइक, बोल रहा है जिस पुल में राजा गिरा वह कैसा दिखता था, तो पुल ऑफ खीर, वह खीर से भरा हुआ पुल था जिसमें राजा गिरा था। चलिए अब आपका बी पॉइंट 2.3 का प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स, लगभग 70 शब्दों में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। व्हाट हैपेंड टू द पीपुल हु ट्राइड टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल, मतलब गोपाल से जो व्यक्ति बदला लेना चाहता था उसके साथ क्या हुआ, तो देख सकते हैं द पीपुल हु ट्राई टू गेट दियर बैग्स, जो लोग गोपाल से बदला लेना चाहता था, तो गोपाल वेयर सेल्फ मेड फूल्स बाय द जेस्टर गोपाल, तो वह खुद गोपाल के द्वारा फिर से इंसल्ट करवा के आ जाता था। देयर वॉज नो वन इन द कोर्ट हु डिड नॉट ट्राई टू मेक गोपाल ए फूल, कोर्ट में कोई मुश्किल से ही बचा हुआ जो गोपाल से बदला लेने के चक्कर में मूर्ख नहीं बना होगा। बट इन द एंड दे लुक्ड लाइक अटर इडियट्स, बाद में क्या होता था, बदला लेने तो जाता था और खुद इंसल्ट होकर के आ जाता था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द किंग्स ड्रीम, डिस्क्राइब, राजा का सपना क्या था, डिस्क्राइब कीजिए, विस्तार से लिखिए, वर्णन कीजिए। देखिए किंग सैड, राजा ने कहा लास्ट नाइट ही हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, पिछले ही रात मैंने एक अजीब सपना देखा। इन हिज ड्रीम, उनके सपना में गोपाल एंड ही वेयर गोइंग फॉर ए वॉक, गोपाल और राजा एक लंबी सैर करने घूमने गए। सडनली दे रीच्ड टू ए प्लेस हैविंग टू पुल्स, अचानक वे एक जगह पहुंचे जहां पर दो गो पुल था। वन पुल वाज फिल्ड विथ खीर एंड द अदर विथ स्मेली डंग, उसमें से एक पुल खीर से भरा हुआ था, दूसरा गंदे गोबर से। ही हिमसेल्फ फेल इन द खीर मेड आउट ऑफ रिच मिल्क, राजा खुद जो है गाढ़े दूध से बने हुए खीर में गिरे। एंड गोपाल फेल इन टू द पुल ऑफ मक, और गोपाल सरे हुए गोबर वाले पूल में गिरे। देखिए व्हाट डिड गोपाल से ऑन हियरिंग द किंग्स ड्रीम, राजा के सपना में सुनकर गोपाल क्या बोलता है, तो गोपाल कॉमली सैड दैट ही ऑल्सो हैड सीन द सेम ड्रीम, गोपाल शांतिपूर्वक कहता है कि मैं भी वही सपना देखा। द किंग्स ड्रीम हैड एंडेड अर्लियर, राजा का सपना पहले खत्म हो जाता है। Will his dream continued a bit longer? और गोपाल का सपना कुछ आगे भी चलता है। Further in his dream, he saw that they both came out of the pools. अब गोपाल देखता है कि वो दोनों, राजा और गोपाल, बाहर आते हैं पुल से। Then both of them licked each other as to kill each other. और फिर गोपाल देखता है कि वे एक दूसरे को चाट रहे हैं, एक दूसरे को साफ करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे आपका चौथा प्रश्न है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ गोपाल द जेस्टर, मजकिया के रूप में गोपाल का स्केच बनाइए, मतलब उसका वर्णन कीजिए। देखिए द जेस्टर गोपाल वाज एन इंटेलिजेंट मैन, जो मजकिया गोपाल था बहुत तेज आदमी था। ही वाज प्लेज्ड टू क्रैक जोक ऑन अदर्स, वह किसी पर जोक मारने में क्या था, बहुत ही एकदम खुश होता था, उसको मजा आता था। ही लाइक वेरी मच टू गेट ए पर्सन्स बैक, और किसी व्यक्ति से बदला लेने में उसे मजा आता था। बट वेन द अदर कोर्टियर्स ट्राइड टू द सेम दे वुड फाइंड देमसेल्व्स गोपाल्स हैंड बिकमिंग वेयर इडियट्स, और जब कोई गोपाल से बदला लेना चाहता था तो गोपाल उसको अपने हाथ में लेकर उसका इंसल्ट करते थे, मतलब अपना पंजा में लेकर। वेन द किंग कुड नॉट गेट एट हिज बैक, बल्कि राजा भी बदला नहीं ले सका, राजा का भी बेइज्जती हो जाता है। गोपाल वाज ए पर्सन ऑफ ग्रेट विट, गोपाल एक व्यक्ति महान चतुराई का आदमी था, महान चतुर आदमी था, क्योंकि बुद्धि से काम लेना ही चतुर आदमी का काम होता है। चलिए लास्ट प्रश्न है पांचवा, कैन यू गेस द किंग्स फीलिंग्स एट गोपाल्स रिप्लाई, गोपाल जब उत्तर दिया उस समय राजा की क्या फीलिंग्स रही होगी, क्या अनुमान लगा सकते हैं। What would you do if someone replied you in that manner? आप क्या करोगे जब कोई आपको इस प्रकार से जवाब देगा, तो उत्तर है द किंग माइट हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड एट गोपाल्स रिप्लाई, गोपाल के जवाब पर किंग को सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया। ही वॉन्टेड टू मेक गोपाल ए फूल, राजा गोपाल को एक मूर्ख बनाना चाहता था। बट इंस्टेड गोपाल हैड मेड ही में फूल, परंतु बावजूद इसके गोपाल ही राजा को मूर्ख बना देता है। एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द कोर्टियर्स, और सभी दरबारी के सामने, द किंग माइट हैव गोन फायर्ड विथ एंगर, राजा को बहुत गुस्सा हो जाना चाहिए था। एंड ही कुड हैव बैडली पनिश्ड गोपाल, और राजा गोपाल को सजा भी दे सकते थे, क्योंकि राजा तो राजा होता है। बट एज ही वॉज दैट डे इन गुड मूड, परंतु राजा उस दिन अच्छे मूड में थे। इफ समवन वुड हैव रिप्लाइड टू मी इन दैट मैनर्स, अगर कोई मुझे उस तरीका से जवाब देगा, आई वुड बिकम एंग्री ऑन द पर्सन, मैं उस पर गुस्सा करूँगा। आप क्या करिएगा, आप अलग लिख लीजिएगा, ठीक है। आई वुड कट माई रिलेशंस विथ हिम, मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ लूँगा। आई वुड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, मैं उसे बात करना बंद कर दूँगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इस वीडियो में हमने आपको द राजाज ड्रीम, यह तीसरा चैप्टर क्लास 8 के इंग्लिश बुक का आपको पूरा कहानी समझाया।
शायद अगर यहाँ आप नहीं समझे होंगे तो कहीं नहीं समझिएगा, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी भी जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि वीडियो डालेंगे उसमें लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप और भी विषय का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल 9th-10th क्लास पर पढ़ाते हैं कमल देव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।